हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आर फोर्थ चैप्टर ऑफ फोर्थ स्टैंडर्ड एंड द नेम ऑफ आर चैप्टर इज विक्की टिक्की एंड टवी। इसमें क्या होता है, एक मंगूस होता है जिसको एक लड़का जिसका नाम टैडी होता है ना, वो उसको सेव करता है। और जैसे कि मंगूस को उस लड़के ने सेव किया, तो मंगूस ने उसकी पूरी फैमिली को, उस लड़के की पूरी फैमिली को किससे, स्नेक्स की फैमिली से सेव किया, नहीं तो वो फैमिली को मार देते। इसलिए मंगूस ने स्नेक से लड़ाई करके उसके उस लड़के की फैमिली को सेव किया था। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर रीडिंग। इट हैड रेन्ड हैवीली ऑल नाइट। टेडी, अ यंग बॉय ऑफ 10, रेन आउट इनटू द गार्डन। ही सॉ अ मंगूस लाइंग वेट एंड स्टिल ऑन द ग्रास। उस दिन रात को क्या, बहुत जोर से बारिश हो रही थी और एक लड़का था जिसका नाम टेडी था। कितने साल का था, 10 ईयर्स का। वो दौड़ के गया गार्डन में और उस मंगूस को देखा कि वो पूरा गीला हो गया है और उसको पूरा ठंडी लग रही है। तो उसने क्या किया, उस ग्रास से उस मंगूस को लेके आ गया और उसको लगा कि वो मर गया है। यस डैट मंगूस, टैडी कॉल्ड आउट ऑफ हिज मदर, लेट्स बरी हिम। तो उसकी मम्मी को क्या बोलता है, अब ये मर गया है तो हम उसको गाड़ देते हैं। नो सेट टैडीज मदर, हिज हार्ट इज बीटिंग फैंटली, पर एप सिविली, लेट्स टेक हिम इनसाइड एंड ड्राई हिम। वो क्या बोलती है उसकी मम्मी, नहीं अभी तक मरा नहीं है, उसके साथ से अभी भी चल रही है, हम उसको अंदर लेके जाते हैं और उसको थोड़ा ट्रीटमेंट देते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। टैडीज फादर रैप्ड हिम अप इन एन ओल्ड वुलन मफलर एंड प्लेस्ड हिम नियर द फायर। द मंगूस नीज, टैडी एंड हिज पेरेंट्स वेर डिलाइटेड, दे गेव हिम सम मीट एंड देन टुक हिम आउटसाइड। क्या किया मंगूस को, उसने पूरे मफलर से, उसके फादर ने मफलर से पूरा उसको बांध दिया और उसको फायर के बाजू में रख दिया और थोड़ा सा उसको मीट खाने के लिए दे दिया और वो मंगूस ठीक हो गया। ही सैट इन द सन एंड शुक हिज लॉन्ग फ्लफी टेल टिल इट लुक्ड लाइक अ बॉटल ब्रश। उसने क्या किया, उस सन में जाके वो बैठ गया और पूरा धूप लेने लगा और जब तक उसकी पूरी टेल बॉटल ब्रश जैसी नहीं हो गई तब तक वो वहाँ पे बैठा था। सून टैडी एंड द लिटल मंगूस बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। द मंगूस वुड रन थ्रू द टॉल ग्रास क्राइंग रिकी टिक्की टिक्की टिक्की। टैडी यूज्ड टू लाफ एट हिम एंड स्टार्टेड कॉलिंग हिम रिकी टिक्की टवी। वो क्या, टैडी, उसकी मंगूस की आदत थी, वो क्या करता था, वहाँ पूरे ग्रास में भागता था और वो आवाज़ निकालता था रिकी टिक्की करके। तो टैडी रोज हंसता था उसकी आवाज़ सुनकर और उसने उसका नाम क्या रख दिया, रिकी टिक्की एंड टवी। वन मॉर्निंग रिकी टिक्की वॉज wandering about in the garden, there he saw a nag, the big cobra, and his wife Nagina. Although Rikki Tikki was young, he knew the snakes were his enemy. एक मॉर्निंग जब रिकी टिक्की वहाँ पे घास में चल रहा था तो उसने क्या देखा कि एक नाग की फैमिली, स्नेक की फैमिली, उसकी वाइफ और एक कोबरा वहाँ से जा रहा था। उसको पता था कि स्नेक्स मंगूस के दुश्मन होते हैं। नाग ऑल्सो न्यू दैट अ मंगूस इन द गार्डन मैन डेड फॉर हिम एंड हिज फैमिली। नाग को क्या लगा, ये मंगूस तो हमें लगा कि मर गया है लेकिन ये तो अभी जिंदा है। इट वॉज नाइट, टैडी कैरीड रिकी टिक्की टू हिज बेड एज यूजुअल। रात को क्या हुआ कि रिकी टिक्की को जैसे ही टैडी रोज बेड में सोने लेके जाता है वैसे ही उस रात को भी सोने उसको लेके गया। बट एज सून एज द बॉय वॉज एसलीप, रिकी टिक्की वेंट ऑफ फॉर हिज नाइटली वॉक अराउंड द हाउस। As he moved about, he heard a faint sound. It came from the bathroom of Teddy's parents. जैसे कि रिकी टिक्की की आदत थी, वो रोज रात को क्या घूमने निकला करता था गार्डन में। उस रात को भी निकला लेकिन उस रात को उसने क्या सुना कि टैडी की पेरेंट्स से उनके बाथरूम में से क्या आ रहा था, एक आवाज़ आ रहा था, फेंट आवाज़, मतलब अनक्लियर आवाज़ आ रहा था। रिकी टिक्की क्विकली एंटर द बाथरूम, ही कुड हियर नाग एंड नागिन टॉकिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द बेडरूम डोर। नागिन वॉज टेलिंग हर हस्बैंड, किल द 3 पीपल इन द हाउस, द मंगूस विल गो अवे, वेन देर इज नो वन लेफ्ट देन वी विल हैव द गार्डन टू आर सेल्फ। तो रिकी टिक्की ने क्या सुना कि वो नागिन थी ना, वो अपने हस्बैंड नाग को बोल रही थी कि हम इन तीनों को मार देते हैं, अगर हम घर में जो 3 रहते हैं उनको अगर हम मार देंगे तो मंगूस खुद ब खुद यहाँ से चला जाएगा और ये पूरा गार्डन हमारा हो जाएगा। रिकी टिक्की शो नाग स्लिटलिंग इन टू द बाथरूम थ्रू द ड्रेन। Nag knew that Teddy's father would come to the bathroom around midnight, so he coiled himself up and went to sleep there. Rikki Tikki was hiding behind the door watching Nag. जैसे नाग नागिन को पता था कि रात को उसके पेरेंट्स आएंगे, हम उनको डस लेंगे तो वो मर जाएंगे, लेकिन मंगूस ने उनकी बातें सुन ली। When Nag was fast asleep, Rikki Tikki jumped on his head and dug his teeth into the snake's flesh.
और जैसे ही रात को सांप सो गया तो रिकी टिकी ने उसके ऊपर जंप किया और उसके दांत को मारा। नाग वॉज फ्यूरियस, ही थ्रू हिज हैट फ्रॉम साइड टू साइड एंड रिकी टिकी वॉज फ्लंग अगेंस्ट द वॉल अगेन एंड अगेन। रिकी टिकी थॉट ही वॉज गोइंग टू डाई, ही वॉज ब्लीडिंग बट ही डिड नॉट लेट गो टू हिज ओल्ड होल्ड ऑफ नाग्स हेड। उसने क्या किया, नाग ने उस मंगूस को उठा उठा के पटका यहाँ से वहाँ और मंगूस को लगा कि अब मैं मर जाऊँगा, पूरा खून बह रहा था, फिर भी उसने लास्ट तक नहीं छोड़ा उस नाग को। ड्यूरिंग द स्ट्रगल नाग्स टेल अपसेट द मग एंड शॉप डिस्क, दे फेल टू द ग्राउंड विद अ क्लैटर। सडनली द वाइल्ड स्ट्रगलिंग स्टॉप, नाग्स हेड dropped down and did not move. Daddy's father who had entered the bathroom on hearing the noise had shot Nag with the gun. जैसे कि वो दोनों जगड़ रहे थे स्नेक और मंगूस, उसमें क्या हुआ, एक सोप का जो वो डिश था ना वो जाके गिर गया, तो उसके पेरेंट्स ने, डैडी के पेरेंट्स ने आवाज़ सुन ली और भाग के बाथरूम में गए और देखा कि नाग और मंगूस जगड़ रहे हैं, तो उसने क्या किया, उसके पापा ने गन से उसको मार दिया सांप को। Daddy's father picked up the bleeding Rikki Tikki and went back to his bedroom. He asked his wife to put some medicine on Rikki Tikki's wound. फिर उसके फादर ने क्या किया, Rikki Tikki को लेके गए बेडरूम में और उसको वहाँ पे पूरा मेडिसिन देके अच्छे से इलाज किया। I killed the snake, he said, but Rikki Tikki saved our life. वो क्या, उसके फादर ने क्या बोला, मैंने सांप को तो मार दिया लेकिन हमारी लाइफ किसने बचाई है, Rikki Tikki ने। Daddy's mother washed Rikki Tikki's wound with medicine. She patted his sore head and gave him some toffees. Rikki Tikki को अच्छे से उसने मेडिसिन दिया, उसकी मदर ने उसके छाबाशी दी और उसको थोड़ी बहुत चॉकलेट्स दी। अंडर हर लविंग केयर Rikki Tikki felt better. उसने जैसे केयर किया, Rikki Tikki बहुत अच्छे से ठीक हो गया जल्दी। सो ही फ्लप्ड अप हिज टेल एंड रैन ऑफ द डैडीज रूम, और जल्दी से वो जाके वापस डैडी के रूम में जाके सो गया। ओके, एंड नाउ आई विल सेंड यू दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू हैव टू राइट योर एक्सरसाइज इन योर नोटबुक।